बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्यारे हम जीव इस धरती पर वास करने वाले मृतलोक में रहने वाले जीव के अंदर न जाने कितनी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, न जाने कितने कार्य होते हैं। उन कार्यों की पूर्ति के लिए कि वो कार्य संपन्न हो सुंदर ढंग से, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, इसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई रामचरितमानस की रचना की है उसमें से कुछ चौपाइयां ऐसी हैं कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चौपाइयों का यदि हम स्मरण जप करते हैं तो हमारे वो कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि किस कार्य के लिए कौन सी चौपाइयों का जप मनन ध्यान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कुछ किसी कार्य के लिए कहीं बाहर जा रहा है और वो उसकी सिद्धि पूर्णता चाहता है कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वो कार्य सिद्ध हो जाए, तो उसके लिए एक चौपाई है, इसको स्मरण करके तब घर से बाहर निकलना चाहिए। वो कौन सी चौपाई है कि प्रभिसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कोसलपुर राजा। ये चौपाई है, किसी कार्य के लिए हम बाहर घर से निकल रहे हैं तो इस चौपाइयों को कहते हुए घर से निकले तो निश्चित रूप से कार्य हमारा सिद्ध हो जाता। कहते हैं कि कोई विदेश में रहता है और विदेश जा रहा है, वहाँ पे अपनी कुशलता चाहता है, अपना कल्याण चाहता है कि कुशल पूर्वक वहाँ पर हम रहे, तो इसके लिए यह चौपाई स्मरण करते हुए गाते हुए घर से निकलना चाहिए। कौन है कि रथ चढ़ी सी सहित दो भाई चले बनही अवधही सिरुनाई। इस चौपाई को गाते हुए घर से निकलना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए, तो निश्चित रूप से वहाँ भी हमारी कुशलता बनी रहती है, कुशल पूर्वक वहाँ पर हमारा रहना होगा। किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भूत पिशाच अगर किसी को इस प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है, ये महसूस होता है, एहसास हो रहा है, तो उसके लिए ये स्मरण करना चाहिए, इसका जप करना चाहिए, तो अपने आप भूत प्रेत वहां से सब भग जाते हैं। क्या है कि बंदऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार बस ही राम सरचाप उधर। इसका स्मरण करके इसका जप करने से भूत पिशाच इत्यादि सब वहां से दूर भाग जाते हैं। यदि किसी के पास शत्रु अधिक है, शत्रु हो गए हैं, शत्रुता है, क्योंकि जब धीरे धीरे आदमी कुछ धन से बल से बलवान होने लगता है तो न जाने कितने प्रकार के शत्रु उसके बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि कोई किसी के बड़प्पन को भलाई को देख नहीं पाता तो उनको कष्ट होने लगता है, नाना प्रकार के क्लेश होने लगते हैं, तो नाना प्रकार के जिनके पास कई शत्रु हो गए हो, शत्रु निवारण के लिए यह चौपाई अगर इसका जाप किया जाए तो निश्चित रूप से शत्रु का भी नाश हो जाता है। वो चौपाई कौन सी है कि जाके सुमी रन तेरी पुनासा नाम शत्रु घन वेद प्रकाशा जाके सुमी रन तेरी पुनासा नाम शत्रु घन वेद प्रकाशा। शत्रु नाश के लिए
इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए, इसका जप करना चाहिए, मनन करना चाहिए, बार बार इस चौपाई को कहना चाहिए। जो जीव अपने जीवन में अन्न इत्यादि कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, संकट ना आए, खाने पीने की कोई दुर्व्यवस्था ना हो, इसके लिए यह चौपाई है। इस चौपाई को स्मरण करना चाहिए, इसका जप करना चाहिए कि विश्व भरण पोषण कर धोई ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। कभी अन्य की कोई कमी ना हो, कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, संकट ना आए, इसके लिए इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने घर में, अपने समाज में, जीवन में हमेशा अच्छे अच्छे उत्सव होते रहे, विभिन्न प्रकार के ऐसे भाव जिसके अंदर हो, अगर वो चाहता है तो उसके लिए ये चौपाई है, इसको स्मरण करना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए। कौन सा? कि जब तेरा मुँह ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। जब तेरा मुँह ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। जो उत्सव चह विविध प्रकारा करू यह चौपाई अनुसारा। जो विविध प्रकार के उत्सव चाहते हैं वो इस चौपाई को बार बार इसका स्मरण ध्यान करते रहे तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर देती है चौपाई। और जो संसार में अपनी जय चाहता हो, विजय चाहता हो, उसके लिए भी ये चौपाई है कि जो चाहे जग मह जय भाई। जो संसार में जय चाहता है अपनी, उसको क्या करना चाहिए कि स्थिर हुए जपू यह चौपाई। स्थिर हो करके इस चौपाई को जपे तो उसके उसका संसार में जय ही जय होता है। वो कौन सी चौपाई है कि सका धर्म में असरथ जाके जीतन कह न कतहु रिपुता के। इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए और ये जो करता है उसकी संसार में जय ही जय होती है, वो कभी उसकी भी पराजय नहीं हो सकती। ये चौपाइयाँ हैं, इन चौपाइयों को अपनी इच्छा अनुसार, कामना अनुसार इसका जप स्मरण तप जप तप करना चाहिए। जप करें, स्मरण करें, ध्यान करें, मनन करें तो निश्चित रूप से ये हमारे सारे कार्य जो है भगवत कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण हो जाते हैं। हमारी मन चाहिए कामना, मन चाहिए इच्छा, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये चौपाइयाँ हैं जिस कार्य के लिए हमें जिसकी ज़रूरत हो उस हिसाब से अपने इच्छा अनुसार इन चौपाइयों का जप करना चाहिए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।